Hi there, this is Dev Solanki and welcome back in our English learning videos. तो आज के वीडियो में फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसे वर्ड्स जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे और अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर पाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड के साथ. तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है माइजर और स्टिंजी. तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है माइजर और स्टिंजी जो ये वर्ड है ये यूज होता है कंजूस के लिए. तो अगर आप कंजूस इंसान हैं, खर्च करने में थोड़ा सा सोचते हैं, तो आप माइजर और स्टिंजी कहलाते हैं. तो आप इसे माइजर बोल सकते हैं या स्टिंजी, आप कोई भी एक वर्ड यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त अगर आपको कंजूस कहते हैं तो आप कैसे कहेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं हम. माई फ्रेंड्स कॉल मी माइजर, कि मेरे दोस्त मुझे कंजूस कॉल करते हैं, कंजूस बुलाते हैं. तो अगर आप भी अपने ऐसे फ्रेंड सर्कल में किसी भी कंजूस फ्रेंड को देखते हैं तो आप कह सकते हो You are miser or you are stingy, okay? Next word है हमारा आज का techie. Techie होता है old fashioned person, पुराने fashion वाला इंसान. अक्सर आपको काफी ऐसे लोग मिलते हैं जो काफी old fashioned रहते हैं या उन्हें इस तरह का रहना पसंद होता है. तो आप अपने लिए अगर बताना चाहें कि आप अपने टाइम पहले कभी ओल्ड फैशन टाइप पर्सन थे, पुराने फैशन को बहुत फॉलो करते थे, तो आप यहाँ यूज करेंगे. एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आई यूज टू बी techie ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, कि मैं अपने स्कूल टाइम में टैकी हुआ करता था. टैकी मतलब पुराने फैशन वाला, मतलब मैं ओल्ड फैशन को फॉलो किया करता था, ज्यादा फैशन से अपडेट नहीं था. तो आई यूज टू बी टैकी ड्यूरिंग माई स्कूल डेज. फाइन, नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का टेक अ नैप. टेक अ नैप होता है झपकी लेना. ये एक एक्शन वर्ड है, वर्ब है, जो काम हम करते हैं, झपकी लेना एक काम है. तो झपकी लेने को बोलते हैं टेक अ नैप. तो आप कहते हो अक्सर मैं आफ्टरनून में झपकी लेता हूं, मतलब बहुत लोग होते हैं जो दिन में थोड़ा झपकी लेते हैं, तो आप कहेंगे आई यूजुअली टेक अ नैप इन द आफ्टरनून, कि मैं आफ्टरनून में अक्सर झपकी लेता हूं. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई हैबिट्स टू, मैं भी दिन में झपकी लेता हूं, तो मैं अपने लिए बोलूंगा आई टेक अ नैप इन द आफ्टरनून एवरी डे, कि मैं भी दिन में झपकी लेता हूं एक बार. ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का स्पेंड थ्रिफ्ट. स्पेंड थ्रिफ्ट होता है खर्चीला इंसान. अगर आप बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, खर्चीले इंसान हैं, तो आप अपने लिए वर्ड यूज कर सकते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट. ओके, स्पेंड थ्रिफ्ट, खर्चीला इंसान. जैसे यहाँ पिक्चर में एक गर्ल को दिखाया गया, एग्जाम्पल हमने एक बॉय के लिए लिया है. अगर गर्ल के लिए बोलेंगे तो शी लग जाएगा, अभी हम बॉय के लिए बोल रहे हैं. सो ही हैज बिकम स्पेंड थ्रिफ्ट, कि वो खर्चीला बन गया है. Since he has joined his new job, जब से उसने अपनी नई जॉब ज्वाइन की है, तो जब से उसने अपनी नई जॉब ज्वाइन की है वो खर्चीला बन गया है. तो अगर आप गर्ल के लिए बोलेंगे तो she has become spendthrift since she has joined her new job. तो अगर आप भी खर्चीले बन गए हैं तो आप अपने लिए बोल सकते हो कि सर आई हैव बिकम स्पेंडथ्रिफ्ट. ओके, कि मैं खर्चीला बन गया हूं. हमारा और आज का लास्ट वर्ड है डाइन आउट. डाइन आउट होता है घर से बाहर खाना खाना. तो आप कितनी बार घर से बाहर खाना खाने जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाइन आउट. तो आप कहते हो कि सर मुझे अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर खाना खाना पसंद है, तो आप कहेंगे आई लाइक टू डाइन आउट विद माई फ्रेंड, कि मुझे अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर खाना खाना पसंद है. तो कहते कहेंगे आई लाइक टू डाइन आउट, कि मुझे डाइन आउट करना पसंद है किसके साथ, विद माई फ्रेंड्स. तो ये थे आज के वर्ड, और इन्हें रिवाइज कीजिए, यूज कीजिए जितने अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि जितना आप यूज करेंगे उतना ही आप कंफर्टेबल फील करेंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यू 5 वर्ड्स अगेन. सो बाय बाय, टेक केयर.